हेलो व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, आपके टेक चैनल में। दोस्तों आज मैं यहां पर रिव्यू करने जा रहा हूं यहां पर JBL Quantum 100 का, और ये रिव्यू जो है वो स्पेशली मैंने गेमिंग के लिए रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है इसका इस्तेमाल करते हुए मैं गेमिंग करने वाला हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैंने इसके ऊपर पहले भी गेमिंग की हुई है इसका इस्तेमाल करते हुए, लेकिन एक लाइव टेस्ट जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इसके लाइव जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपको देने वाला हूं। तो ये पहले इसके बारे में जो है वो सारी जानकारी हम ले लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों दिस इज़ द JBL Quantum 100, और ये एक आप देख सकते हैं डिटैचेबल माइक के साथ आता है। ये इसका डिटैचेबल माइक है, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर लग जाता है। ऑलराइट, इस तरीके से। और ये आपको किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत दे हो सकता है। यहाँ पर इसको जो है वो माइक को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइक जो है वो ऑफ हो जाएगा, दबाएंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स आपको दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अप करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप माइनस का साइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक ओवर द ईयर डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, तो ये कानों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से फिट होता है, और इसकी वजह से JBL का ऐसा कहना है कि आपको साउंड आइसोलेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। और गेमिंग के अंदर आपको जिस तरीके का एक साउंड चाहिए, आपको बहुत फाइनर डिटेल्स भी चाहिए साउंड के, तो वो चीज़ इससे अचीव हो सकती है। बाकी मटेरियल वाइज अच्छा है ये, मैं इसको काफ़ी समय से अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लेदरेट दिया गया है ये भी कहीं से भी कटा फटा नहीं है, ना ही घिसा हुआ है। ऊपर भी यहाँ पर लेदरेट दिया गया है, ओवरऑल पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा इसके साथ गेमिंग करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी ब्रेडेड केबल है, और ये इसका जैक है। तो ये गोल्ड प्लेटेड जैक है विथ 1, 2, 3 रिंग्स, इसका मतलब है ये माइक के साथ आता है। तो अभी एक सिंपल सा ही गेम मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ, और उसका गेम प्ले भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहनने के बाद कुछ इस तरीके का जो है वो इसका लुक आता है। तो चलिए यहाँ पर गेम को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल जो है वो गेम का एक शुरुआती म्यूजिक चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा लाउड तो महसूस नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसका जो है वो मैं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दूँ। तो जी हाँ, यहाँ से जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है वो साउंड सुनाई देता है। तो देखिए दोस्तों, गेम जो है शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा ना मैं इसको आपके पास लेके आता हूँ, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो साउंड ज़रूर देखने को मिलता है, और जब आप इसको पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा आइसोलेशन भी मिलता है। तो यहाँ पर रिज्यूम करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर फाइनर डिटेल्स मुझे बहुत सुनाई दे रहे हैं। ये गेम मैं बहुत बार खेल चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो मुझे कभी सुनाई नहीं दिए। हालांकि ये जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं गेम के अंदर, इसमें उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है, मतलब जितना बूम आना चाहिए उतना तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो फाइनर डिटेल है काफ़ी बेहतर सुनाई दे रहे हैं। और ये गन्स के वगैरह जो आवाज़ आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सुनाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये बात ज़रूर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जो है वो पंच महसूस नहीं हो रहा है। तो देखिए इमर्सिव ज़रूर लगता है, इसका जो साउंड है वो आपको इमर्सिव ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइसोलेशन ये ज़रूर दे देता है। और बाकी के जो डिटेल्स हैं, फाइनर डिटेल्स, वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। ये अगर लॉन्ग टर्म में आप पहन के भी रखेंगे ज़्यादा समय तक, तो आपके कानों को तकलीफ़ ज़रूर नहीं होगी।
तो ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर। माइक का पोजीशनिंग काफी अच्छा है और ये फ्लेक्सिबल भी है, जैसे चाहे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज लगी। लेकिन हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा बेस का पंच और होना चाहिए था। ये मैं म्यूजिक के मामले में भी मैंने इसको मार्क किया हुआ है कि अगर इसमें बेस अच्छा होता तो और थोड़ा सा मजा जरूर आ सकता था। लेकिन बाकी ऑल इन ऑल यहाँ पर हेडफोन जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। लाउडनेस के मामले में भी अच्छा है, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम रॉकर को फुल करेंगे तो ये पेनफुली लाउड भी हो सकता है, तो इसकी वजह से लाउडनेस में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा बेस की कमी मुझे जरूर महसूस हुई है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपको इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछ सकते हैं।